Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 4. Welcome to Maths lecture. Today I am going to teach you chapter number 2, factors and multiples. Page number hai aapka 39, exercise number hai 2e, question number 8. Using the Devian method, find the HCF of the following given numbers. Devian method ko use karte hue aapne HCF find karna hai given numbers ka. Okay? यहाँ पे आपको HCF के बारे में नॉलेज देती हूँ. HCF is like H is for highest, C is for common, F is for factor. तो क्या मतलब हुआ इनका? Highest, common, factor means सबसे बड़ा आपने factor आपने बताना है कि common factor में से सबसे बड़ा factor कौन सा है. Factors के बारे में आपको previous video में बता चुकी हूँ कि factors क्या होते हैं, कैसे आपने find करने हैं, किसी भी एक value के given value के आपने उसके factors कैसे निकालने हैं. और उन फैक्टर्स को निकालने के बाद आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने का प्रोसेस भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था. ठीक है, कॉमन फैक्टर्स भी आपको निकालने आ गए. उसके बाद आपने अब उन कॉमन फैक्टर्स से आगे आना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मींस आपने उन कॉमन फैक्टर्स में से बताना है कि सबसे बड़े वाला फैक्टर कौन सा है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि अगर मैं कॉमन फैक्टर यहाँ पे लिखती हूँ सी एफ इज फॉर कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर अगर यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1, 3 and 9, ये हमारे कॉमन फैक्टर हैं. अब इसका मैंने अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हो एच सी एफ, तो इनमें से हाईएस्ट वाली वैल्यू कौन सी है, मीन सबसे बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, तो 1, 3 और 9 में से आप चेक करेंगे कि सबसे बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है. तो इसमें से 9 सबसे बड़ी वाली वैल्यू है, इसलिए आप उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में राइट कर देंगे. यहाँ पे एचसीएफ आपके पास आ गया 9. इसी तरीके से आपने ये वाले क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन इनका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे कि ये आपने डिवीजन मेथड से करने हैं. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का आपको समझ में आ गया कि आपने कैसे फाइंड करते हैं. आप कॉमन फैक्टर पहले फैक्टर निकालते हैं, फिर कॉमन फैक्टर, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसमें से बताते हैं. ये डिवीजन मेथड है, मींस आप इसमें डिवाइड करके बताएंगे कि यहाँ पे इसका कॉमन फैक्टर क्या आएगा इनकी डिवीजन से. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन. यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 में से मैंने डी पार्ट चूज किया है. इसमें आपके पास 3 वैल्यूज गिवन है, 1, 2 एंड 3. 3 वैल्यूज गिवन है, इन 3 वैल्यूज को यूज करते हुए हमने डिवीजन मेथड को यूज करना है और एचसीएफ फाइंड करना है. यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, इन दोनों तीनों वैल्यूज में से आप कोई सी भी 2 वैल्यूज चूज करेंगे और उनकी डिवीजन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको डिवीजन के लिए पता है कि आपको डिवाइड करवाने के लिए क्या चीजें चाहिए होती हैं. आपको एक डिवाइडेड चाहिए होता है यहाँ पे और एक डिवाइजर चाहिए होता है यहाँ पे. डिवाइजर एंड डिवाइडेंड, ठीक है, डिवाइजर चाहिए और डिवाइडेंड चाहिए. आपको सिर्फ 2 वैल्यूज रिक्वायर्ड हैं और यहाँ पे आपके पास 3 वैल्यूज गिवन है, तो आप कोई से भी 2 वैल्यूज चूज करेंगे. आप इसको 48 और 30 को भी चूज कर सकते हैं, या फिर आप 48 और 40 को भी चूज कर सकते हैं, आप 30 और 40 को भी चूज कर सकते हैं. इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या चूज करते हैं. मैं यहाँ पे 48 और 40 को चूज करूंगी और अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगी. नाउ आई एम चूजिंग 48 एंड 40 फॉर माई सोल्यूशन. ओके, तो 48 और 40 को मैंने चूज किया है यहाँ पे. अब इनमें से मैं डिवाइडेड किसको लूंगी और डिवाइजर किसको लूंगी, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आप किसको डिवाइडेंड रखेंगे और किसको डिवाइजर रखेंगे. तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आप हमेशा डिवाइडेंड वो लेते हैं जो आपके पास दोनों में से बड़ी वैल्यू होती है. मैंने चूज किया है यहाँ पे क्या 48 और 40. 48 और 40 में से कौन सी वैल्यू दोनों में से बड़ी है, तो मेरे पास 48 जो है वो इन दोनों में से मेरे पास बड़ी वैल्यू है यहाँ पे. तो 48 आपका डिवाइडेंड होगा और 40 आपका डिवाइजर होगा. इसी तरीके से अगर आप 48 और 30 को चूज करते हैं तो आपको पता है सेम थिंग है कि आपके पास 48 डिवाइडेड होगा और 30 उसका डिवाइजर होगा. और अगर आप 30 और 40 को चूज करते हैं तो 40 आपका डिवाइडेड होगा और 30 आपका डिवाइजर होगा. इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करती हूँ. 48 को डिवाइडेड में लिखेंगे और 40 को डिवाइजर में लिखेंगे और इसकी डिवीजन स्टार्ट करते हैं. यहां पे हम इसकी डिवीजन स्टार्ट करें. 40 ones are 40 हमने लिख लिया है. अब इसको नेक्स्ट आपको पता है यहां पे हम इसको माइनस करते हैं. 8 में से 0 को माइनस किया तो हमारे पास आ जाता है 8. 4 में से 4 माइनस किया तो हमारे पास आ जाता है 0, जो कि हम यहां पे नहीं लिखेंगे.
नेक्स्ट आप देखें कि हमारा जो रिमाइंडर आया है 8 वो आपके डिवाइजर से छोटा हो गया है, यहाँ पे वो स्मॉल वैल्यू हो गई आपके पास 8। नेक्स्ट हमने क्या करना है, क्योंकि ये डिवाइड नहीं कर सकता इसको, तो आपके पास ये डिवीजन मेथड ये शो करता है, ये कॉमन फैक्टर जो हमने निकालना है, और ये मेथड है कि आपका जो डिवाइजर होगा वो अब डिवाइडेड बनेगा। मीन्स आप नेक्स्ट इसको लिखेंगे 40 को लिखेंगे एज अ डिवाइडेड, एंड 8 आपका क्या बन गया है अब यहां पे डिवाइजर, डिवाइडेड डिवाइजर, जो पहले डिवाइजर था वो अब बन चुका है आपका डिवाइडेड, और जो आपके पास रिमाइंडर आया वो आपका डिवाइजर बन गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे यहां पे, तो 8 के टेबल में आप देखेंगे 40 कहां पे आता है, तो 8 5 40 यहां पे हम लिखेंगे क्वेश्चन, 8 5 आपके पास क्या आ गया है 40, रिमाइंडर आपके पास आ गया है 0। जब आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया है मीन्स आपका ये क्वेश्चन यहीं तक खत्म हो गया है, आपने दो वैल्यूज को चूज करके जो काम करना था वो आपका यहीं तक खत्म हो गया। अब नेक्स्ट आप इस वैल्यू को चूज करेंगे, और जो आपके पास वैल्यू रह गई थी जिसको आपने चूज नहीं किया था उससे लेके आप सॉल्व वैल्यूज आ गई है, तो 30 और 8 में से देखेंगे आप कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, किसको आप डिवाइजर बनाए और किसको आप डिवाइडेड बनाए, तो 30 आपके पास डिवाइडेड बनेगा क्योंकि वो एक बड़ी वैल्यू है 8 से, ठीक है, तो 8 आपके पास क्या बन जाएगा डिवाइडेड बन जाएगा। 30 को आप लिखेंगे डिवाइडेड के तौर पे और 8 को लिखेंगे डिवाइजर के तौर पे, तो एज अ डिवाइजर लिखेंगे। अब हम इसको डिवाइड करवाते हैं, तो 8 के टेबल में हमारे पास 30 कहां पे आता है, तो 8 के टेबल में 30 नहीं आता हमारे पास, तो यहां पे हम क्या करेंगे, 8 के टेबल में 30 से स्मॉलर तो आता है ना, 8 3 24, तो वो लिखेंगे। जब हमने 24 लिख दिया जब इसको माइनस करवाएंगे, 0 में से 4 माइनस नहीं होता, तो हम क्या करेंगे 3 में से यहाँ पे हम इसके पास कैरी लेंगे, जब 3 में से कैरी लेंगे तो 3 की जगह पे हमारे पास क्या रह गया है 2 रह गया हमारे पास यहाँ पे, और 3 में से यहाँ पे जब कैरी गया तो यहाँ पे 1 आ गया, मीन्स यहाँ पे 1 और 0 मिलकर हो गए हैं 10 आपके पास, तो 10 में से आप 4 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 6, और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 0 आएगा, और 0 हम लिखेंगे नहीं, यहाँ पे आपके पास आ गया। अब अगेन आप लोग इसी तरीके से देखेंगे कि आपका रिमाइंडर जो आया है वो छोटा हो गया है, यहाँ पे जैसे हुआ था तो यहाँ पे भी आपका रिमाइंडर जो है वो 8 से छोटा हो चुका है, तो हम फिर से यही वाला प्रोसेस दोबारा से करेंगे, मीन्स हमने यहाँ पे डिवाइजर को अगेन डिवाइडेंड बनाएंगे 8 को, और 6 हमारा अब डिवाइजर हो गया है, 8 डिवाइडेंड और 6 डिवाइजर। अब 6 के टेबल में देखते हैं, तो 6 1 6, 8 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट आपके पास फिर से देखिए रिमाइंडर जो है वो आपका डिवाइजर से छोटा हो गया है, तो फिर से आप वही वाला प्रोसेस, ये आपके पास एक लैडर की तरह बनता जा रहा है, इसी तरीके से आपका एचसीएफ फाइंड होगा। नेक्स्ट आप 6 को लिखेंगे डिवाइडेड के तौर पे और 2 आपका डिवाइजर आ गया है, अब इसको डिवाइड करते हैं, तो 2 3 6, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर जो आ गया है वो 0 आ गया, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। हमने क्वेश्चन देखे यहाँ से स्टार्ट किया और वहां पे हमारा क्वेश्चन एंड हो गया है। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें से एचसीएफ हमारा क्या है, तो एचसीएफ हमारे पास यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सारा डिवाइजर का काम है, डिवाइजर जो हमारा रहेगा वही हमारा एचसीएफ शो करेगा, लास्ट हमारा जो डिवाइजर है वो हमारे एचसीएफ को शो कर रहा है, मीन्स 2 हमारा यहाँ पे क्या है एचसीएफ है of these numbers, 48, 30 and 40 का हमारे पास HCF क्या आया, highest common factor क्या आया, 2, तो यहाँ पे highest common factor को लिख देंगे, HCF हमारे पास क्या आ गया है, 2, तो ये हमारे पास इस question का answer है। इस question से related बाकी के पास आप खुद ही इसी तरीके से solve कर सकते हैं, अगर आपको इस क्वेश्चन का मेथड अच्छे से समझ आ गया है तो बाकी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे आप लोगों के लिए, आप उनको खुद ही बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। डे टू डे इसी तरीके से मेंशन करेंगे आप लोग, जैसे आपको मेंशन करके यहाँ पर बता दी गई है 31 मार्च 2020 क्लास वर्क एंड ट्यूजडे आप लोगों का डे है, ये आप लोगों ने सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोगों के पास, सर्कल द पेयर्स दैट आर को प्राइम नंबर। अगर आप लोग पेज नंबर पे देखें, पेज नंबर 39 के ऊपर, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, जिसके आपके पास ए बी सी डी ई एफ पार्ट है, आपके ए से लेके एफ तक पार्ट है, जिनमें से आपने
उन पेयर्स को सर्कल करना है. आपके पास दो दो नंबर्स गिवन है, पेयर का आपको मतलब समझा दिया था, दो नंबर्स आपके पास होते हैं, तो उन पेयर्स को आपने सर्कल करना है जो आपके पास को प्राइम नंबर होते हैं. अब को प्राइम नंबर आपके पास क्या होते हैं, तो को प्राइम नंबर के बारे में आपको बताने से पहले पहले आपको ये समझना जरूरी है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. तो को प्राइम नंबर्स को जानने से पहले आपको प्राइम नंबर्स बताती हूँ. प्राइम नंबर्स आपके पास वो नंबर्स होते हैं, प्रीवियस वीडियो में भी आपको समझाया था कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके आपके पास दो फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर आप चूज करें जिसके आपके पास सिर्फ दो फैक्टर्स आए, मीन्स वन फैक्टर, वन नंबर जो है उसका फैक्टर हो और वो नंबर इटसेल्फ अपना फैक्टर हो, मीन्स उसको सिर्फ वन के टेबल पे वो आता हो और अपने टेबल पे आता हो, उसके अलावा किसी और टेबल के ऊपर नहीं आए, तो उसको उसको कोई और टेबल डिवाइड नहीं करे, तो वो प्राइम नंबर होता है. यहाँ पे हमारे पास जैसे कि एक नंबर है सेवन. सेवन के कितने फैक्टर्स हैं आप लोगों के पास? सेवन को सिर्फ वन डिवाइड करता है, मीन्स वन के टेबल में आता है सेवन, और सेवन अपने ही टेबल में आता है, मीन्स सेवन को कोई और टेबल डिवाइड नहीं करता. क्या सेवन टू के टेबल में आता है? नहीं आता. क्या सेवन थ्री के टेबल में आता है? नहीं आता. फोर के टेबल में? इसी तरीके से आप बाकी टेबल्स भी देख सकते हैं, तो सेवन उनमें नहीं आता. सेवन सिर्फ वन के टेबल में आएगा, वन के टेबल में तो सारे नंबर्स आते हैं ना, तो वन तो हर एक का फैक्टर होगा, ये तो लाजमी है. और एक जो अपना टेबल उसका होता है, मीन्स अपने टेबल में तो वो लाजमी आएगा सेवन वन सर सेवन, तो इसलिए एक वन एक लाजमी फैक्टर होता है, कंपल्सरी फैक्टर है, और एक उसका अपना नंबर, मीन्स कोई भी नंबर अगर आप उठाते हैं, जैसे कि मैं एट लेती हूँ अगर, तो एट के फैक्टर्स में वन और एट तो एक कंपल्सरी फैक्टर्स है, और उनके अगर सेंटर में मैं नंबर से करूँ तो ये टू के में भी आता है, ठीक है, उसके बाद ये फोर के टेबल में भी आता है, तो वन टू फोर एट इसके ये सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन वन और एट इसका कंपल्सरी फैक्टर है. इसी तरीके से हमने सेवन के यहाँ पे निकाले हैं, सेवन का वन और सेवन कंपल्सरी फैक्टर है, लेकिन उसके अलावा कोई और टेबल इसको डिवाइड नहीं करता, तो ये क्या है. और आपको प्राइम नंबर्स के बारे में आपको क्वेश्चन से समझाती हूँ मैं यहाँ पे. तो डी वाला मैं आपके पास पार्ट लिखती हूँ, यहाँ पे डी है आप लोगों के पास टू एंड 17. 2 एंड 17 आपके पास नंबर गिवन है आपके डी वाले पार्ट में, तो आपने इसको बताना है कि ये को प्राइम नंबर्स हैं या नहीं है. ठीक है, ये दोनों नंबर्स आपस में को प्राइम नंबर है. अब को प्राइम नंबर के लिए आपको दो नंबर जरूरी है कि दो नंबर होने चाहिए आपके पास, फिर आप बता सकते हैं कि वो को प्राइम है या नहीं है. ठीक है, दोनों आपके पास यहाँ पे इनके फैक्टर्स लिखेंगे आप, फैक्टर्स ऑफ टू, आप फैक्टर्स ऑफ टू राय करेंगे और फैक्टर्स ऑफ 17, दोनों के आप लोग फैक्टर्स निकालेंगे जैसे कि आपको फैक्टर्स निकालना सिखाया गया है. फैक्टर्स आप लोग निकालेंगे, टू के फैक्टर्स आपके पास आएंगे वन एंड टू, इसके अलावा इनका कोई फैक्टर नहीं आएगा, और 17 के भी इसी तरीके से वन और 17 दो ही फैक्टर आएंगे. अब फैक्टर निकालने के बाद आपने क्या करना है, आपने इन दोनों में से देखना है कॉमन फैक्टर क्या है. कॉमन फैक्टर आपके पास यहाँ पे देखिए, आपको वन कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है, इसके अलावा आपको इसके अंदर कोई कॉमन फैक्टर नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए आपके पास को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके अंदर सिर्फ वन, वन एंड ओनली वन ही आपके पास कॉमन फैक्टर कॉमन पाए जा रहे हैं. तो आप यहाँ पे को प्राइम नंबर के बारे में यहाँ पे एक बात याद रखें कि जिनमें आपके पास ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर आए, मीन्स आप कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो उसके अंदर सिर्फ आपके पास वन ही आए, कोई और नंबर आपके पास कॉमन फैक्टर के तौर पे नहीं आए, तो उसको आप क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं. यहां पे हमने देखा ये पेयर आपके पास को प्राइम नंबर हो गया है, तो आप इसको ऐसे सर्कल कर देंगे या इसके नीचे आप बता देंगे कि टू एंड सेवनटीन आर को प्राइम नंबर, टू एंड सेवनटीन आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर. ठीक है, इसी तरीके से आपके पास एक और क्वेश्चन आपको समझा देती हूँ जो कि को प्राइम नंबर नहीं है, तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ. ई वाला आपके पास पार्ट देती हूँ यहाँ पे. ई है आपके पास फाइव एंड टेन, ये आपके पास ई वाला पार्ट है 5 एंड 10, तो सेम इसी मेथड से आप लोग लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 5 एंड फैक्टर्स ऑफ 10. तो फैक्टर्स ऑफ 5 आप क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 5 में क्या आएगा, 1 आएगा और 5 आएगा, क्योंकि 5 भी एक प्राइम नंबर है जो कि सिर्फ
1 के टेबल में आता है और 5 अपने टेबल में ही आता है. नाउ नेक्स्ट आप 10 के फैक्टर्स लिखेंगे, तो 10 के फैक्टर्स आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में 10 के फैक्टर्स आपको निकालने सिखाए हुए थे. तो 10 के फैक्टर्स में आपके पास आता है 1, 2, 5 एंड 10 इटसेल्फ. क्या आपके पास 10 के फैक्टर्स आ गए हैं? 1, 2, 5, 10. अब इनमें से दोनों से आप लोग मैचिंग पेयर्स यहाँ पे निकालेंगे. मीन्स कॉमन फैक्टर, तो आपके पास देखिए यहाँ पे 1 भी एक कॉमन फैक्टर है और 5 भी एक कॉमन फैक्टर है. तो दो अगर आपके पास कॉमन फैक्टर निकल आए हैं, मैंने आपको यहाँ पे बात बताई है कि ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर, आप लोगों के पास सिर्फ 1 ही निकलेगा जो कॉमन फैक्टर आएगा. लेकिन इसमें देखिए 1 भी है कॉमन फैक्टर और 5 भी है कॉमन फैक्टर. तो आप खुद सोचें क्या ये जो है वो को प्राइम नंबर है? तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि आपकी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा. आपकी कंडीशन है कि ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर आएगा, तभी आप उसको को प्राइम नंबर कहेंगे. तो यहाँ पे आपकी कंडीशन को ये रॉन्ग कह रहा है. इसमें आपके पास 2 कॉमन फैक्टर्स आ गए हैं, 1 और 5 आपके पास कॉमन फैक्टर आ गए. तो इसके लिए आप लिख देंगे 5 and 10 आर नॉट को प्राइम नंबर्स. तो ये आपके पास को प्राइम नंबर्स नहीं है, ठीक है. इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे. तो यहीं पे हमारा लेक्चर जो है वो आज का एंड होता है. डे टू डे आप लोगों ने मेंशन कर देनी है आज की, और नीट एंड क्लीन अपनी हैंडराइटिंग में आप लोगों ने ये काम रन करना है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 का. ओके, कोई भी चीज अगर आपको समझ नहीं आती तो आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में अपने कमेंट्स बता सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़.